बच्चों कैसे हैं आप सब? बोलिए कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक होंगे मैं समझ रही हूँ। आज हम लोग बिना मात्रा के शब्द सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बिना मात्रा के शब्द सीखेंगे। और प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था हम लोग? स्वर, ओवेल्स, व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स और संयुक्त अक्षर हमने सीखे थे। और आज मैं आपको सेकेंड लेसन, दूसरा लेसन मैं पढ़ाना चाहती हूँ आज, बिना मात्रा के शब्द। इसका अंग्रेजी में इसको वर्ड्स विदाउट सिंबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड्स विदाउट सिंबल कहते हैं। और इस वर्ड्स विदाउट सिंबल में हम दो अक्षर वाले शब्द सीखेंगे। क्या सीखेंगे? दो अक्षर वाले शब्द सीखेंगे। कितने अक्षर वाले शब्द? दो अक्षरों से बने शब्द, दो अक्षर वाले शब्द सीखेंगे। इसे हम अंग्रेजी में टू लेटर वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टू लेटर वर्ड्स कहते हैं। और ये दो अक्षर वाले शब्द हमें किसको कहते हैं? स्वर व्यंजन हमने सीखा था, और उसके साथ किस तरह से अंग्रेजी में पढ़ते हैं वो भी सीखा था। पर अब दो अक्षर से बने इस शब्दों को हम किस तरह से पढ़ते हैं? एक अक्षर और दूसरा अक्षर। कितने अक्षर? एक अक्षर और दो अक्षर, ये दोनों मिलाए तो एक शब्द होता है। क्या होता है? शब्द होता है। एक अक्षर और दो अक्षर, दो अक्षरों को मिलाने से, जोड़ने से दो एक शब्द होता है, दो अक्षरों से मिलाने से। और इस तरह से थोड़े शब्द हमें दिए गए हैं और उस शब्दों को हम सब पढ़ेंगे आज। और देखिए इसे क्या लिखा गया है हिंदी में? जग। क्या है? जग। जग जग में कितने अक्षर है? बोलिए मेरे साथ, जा एक अक्षर और गा दूसरा अक्षर। कितने अक्षर है यहाँ? कितने अक्षरों से बना हुआ शब्द दिया गया है? दो अक्षरों से बना शब्द दिया गया है। पहला अक्षर क्या है? जा, और दूसरा अक्षर क्या है? गा। जग, पूरे कुल मिलाकर जग, जग कहते हैं। और जग को हम किस तरह से पढ़ना चाहिए? जग को हम किस तरह से पढ़ना चाहिए? देखिए जे ये जी, जग। क्या कहते हैं? जे ये जी, जग कहते हैं। और इसे हम अंग्रेजी में जग कहते हैं। इसका अक्षर देखिए, जे ये जी जग हम पढ़ते हैं, और इसका अंग्रेजी अर्थ क्या है? जे यू जी जग आता है। क्या आता है? जे यू जी जग कहते हैं। और दूसरा अक्षर, और दूसरा अक्षर से क्या दिया गया है? दूसरा अक्षर क्या है? बोलिए, पहला अक्षर फा और दूसरा अक्षर क्या है? ला। इससे क्या बनता है? शब्द बनता है। पहला अक्षर फा और दूसरा अक्षर ला, इसे क्या कहते हैं? दो अक्षरों से शब्द बनता है, और बहुत सारे शब्दों से क्या बनता है? वाक्य बनता है। और पहला अक्षर क्या है? फा, और दूसरा अक्षर ला। क्या है? फल। फल को हम क्या किस तरह से पढ़ना चाहते हैं? फल को पी है ये यल। क्या होता है? फल, पी है ये यल, फल कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रूट्स। आपको फ्रूट्स क्या कहते हैं? फ्रूट्स। आपको पसंद है फ्रूट्स? यस। हम किस तरह के फ्रूट्स पसंद करते हैं? किस तरह के फल हम पसंद करते हैं? बोलिए मेरे साथ, केला, अनार, अमरूद, जैसे सब चीजों को हम फ्रूट्स कहते हैं। फ्रूट्स का मतलब क्या होता है हिंदी में? फल। इसका किस तरह से इसे पढ़ा जाता है? इसका स्पेल क्या है? F R U I T S। क्या कहते हैं? F R U I T S, इसे हम फ्रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूट्स। इसका स्पेल फ्रूट्स है। और दूसरा क्या दिया गया है? दूसरा और फर्स्ट, पहला अक्षर क्या है? हाँ, और दूसरा अक्षर ला। पहला अक्षर क्या है? हाँ, दूसरा अक्षर ला। इसे हम क्या कहते हैं? कुल मिलाकर क्या कहते हैं? पहला अक्षर हा, और दूसरा अक्षर से जोड़ने से शब्द बनता है, उसे हम अगर क्या दिया गया है? पहले हाँ और ला, इसे हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल, हेच ये यल, हल। क्या कहते हैं? हाँ, हेच ये यल, इसे हम प्लग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लग। इसका स्पेलिंग क्या है? पी एल वो यू जी है, जिसे अंग्रेजी में पी एल वो अंग्रेजी में प्लग कहते हैं। और इसका स्पेल क्या है? पी एल वो यू जी हेच। और दूसरा, और क्या है, क्या दिया गया है? जल। देखिए जा, पहला अक्षर क्या है? जा, और दूसरा अक्षर ला। क्या कहते हैं? पूरा मिलाकर क्या कहते हैं? कुल मिलाकर एक शब्द बनता है, और इसे शब्द को क्या कहते हैं? पहला अक्षर जा और दूसरा ला, इसे हम
जल कहते हैं। जल का मतलब क्या होता है? वाटर। जल का मतलब क्या होता है? वाटर। इसे हम किस तरह से पढ़ा जाता है? जे ये यल। जल क्या क्या कहा जाता है? जे ये यल जल। इसे हम अंग्रेजी में वाटर कहते हैं। इसका स्पेल क्या है? डब्ल्यू ए टी ई आर। क्या है? वाटर होता है। और इससे जुड़े और कई शब्द हमें दिए गए हैं। और पहला अक्षर ना और दूसरा अक्षर ला, नल। पहला अक्षर ना और दूसरा अक्षर ला, नल। और हमें इस किस तरह से पढ़ा जाता है? यन ये यल नल। किस तरह से पढ़ा जाता है? यन ये यल नल। इसे हम अंग्रेजी में टी ए पी टैप कहते हैं। क्या कहते हैं? टी ए पी टैप कहते हैं। और उसके बाद क्या दिया गया है? पहला अक्षर क्या है? मेरे साथ पढ़िए आप सब। पहला अक्षर धा और दूसरा अक्षर ना। पहला अक्षर धा और दूसरा अक्षर ना, धन कहते हैं। क्या कहते हैं? धन। इसे हम किस तरह से पढ़ा जाता है धन को? डी एच ये यन धन कहते हैं। डी एच ये यन धन कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डब्ल्यू ई ए एल टी एच वेल्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल्थ। और दूसरा सुनिए, जा और ना। और क्या है मामा? जा और ना। इसे हम जन कहते हैं। जन का मतलब क्या होता है? जन का मतलब इसे मैन कहते हैं अंग्रेजी में। जन का मतलब अंग्रेजी में मैन कहते हैं, जे ए एन जन। और इसका मतलब अंग्रेजी में यम ए एन मैन होता है। और उसके बाद यम और इसके बाद क्या है? मा, मा और ना। इसके बाद क्या है? मा और ना। इसे हम मन कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? मन कहते हैं। इसे हम यम ए एन मन कहते हैं। यम ए एन मन। इसको हम अंग्रेजी में एच ई ए आर टी हार्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हार्ट। एच ई ए आर टी हार्ट कहते हैं। और उसके बाद बस। उसके बाद क्या दिया गया है शब्द? दो अक्षर वाले शब्दों में क्या दिया गया है? बस। पहला अक्षर ब और दूसरा अक्षर सा, बस। पहला अक्षर ब और दूसरा अक्षर सा, बस। हमें किस तरह से पढ़ते हैं बस को? बी ए एस बस कहते हैं। और अंग्रेजी में इसका स्पेल क्या होता है? बी यू एस बस होता है। और उसके बाद दस। उसके बाद हमारे हाथों की उंगलियां कितने हैं? दस है पूरे पूरे कुल मिलाकर दस। और पहला अक्षर क्या है? द और दूसरा अक्षर सा। से क्या कुल मिलाकर क्या किस तरह पढ़ा जाता है? दस। और इसका किस तरह से पढ़ते हैं? डी ए एस दस कहते हैं। और इसे अंग्रेजी में टी ई एन टेन कहते हैं। क्या कहते हैं? टी ई एन टेन। और मेरे साथ आप भी पढ़िए, जग। जे ए जी जग। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जे यू जी जग। फल पी एच ए एल फल। इसको अंग्रेजी में फ्रूट्स कहते हैं। हल हल एच ए एल हल। इसे अंग्रेजी में प्लब कहते हैं। और दूसरा जल क्या है? जल जे ए एल जल। वाटर और नल यन क्या है? क्या दिया गया है? ना और ला, नल। यन ये यल नल। इसे हम अंग्रेजी में टैप कहते हैं। और दूसरा धन डी एच ये यन धन मतलब वेल्थ। झन जे ये यन झन। और इसे अंग्रेजी में मैन कहते हैं। मन यम ये यन मन। इसे हम अंग्रेजी में हॉट कहते हैं। बस बी ए एस बस। बी यू एस बस अंग्रेजी में बस कहा जाता है। दस टी ए एस दस पढ़ते हैं और अंग्रेजी में टी एन टेन। और ये सब आप सबको दो अक्षर वाले शब्द दिया गया है। कल मैं आपको तीन अक्षर से जुड़े हुए शब्द सिखाऊंगी। और इस दो अक्षर से बने हुए शब्दों का आप अपने किताब में दो बार लिखिए और उसके साथ कॉपी राइटिंग में एक पेज लिखिए। ओके धन्यवाद।